मोहन यादव सरकार निवेशकों को लाने के लिए नई रणनीति के तहत कोशिश में जुटी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि राजधानी भोपाल में अगले साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया जाएगा। इससे पहले मध्य प्रदेश में निवेश की गति बढ़ाने के लिए मोहन यादव सरकार ग्लोबल समिट के स्थान पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इसी दिशा में अब 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। वही इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी। बीते समय उज्जैन में 1-2 मार्च को इन्वेस्टर की मीट की थी, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लगभग 75,000 करोड़ से ज्यादा बढ़कर के कई सारे प्रस्ताव आए, और इसी प्रकार से कल 20 जुलाई को इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें देश भर के अलग अलग निवेशक और औद्योगिक घराने, हमारे प्रदेश के अंदर के उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्र के बड़ी संख्या में नए प्रस्ताव आने की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संसाधन के बलबूते पर, खास करके कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, हेल्थ, इंडस्ट्री की तीनों प्रकार है, लघु उद्योग, हेवी उद्योग या मध्यम श्रेणी से नीचे वाले कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योगों से जुड़ करके ही प्रदेश की प्रगति की जा सकती है। इसी थीम पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं कल की होने वाली इस इन्वेस्टर समिट का स्वागत भी करता हूं और प्रशासन को बधाई देता हूं जो इस पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास दर में नंबर 1 पे प्रदेश को देश में पहुंचाना है, हम इस पे काम कर रहे हैं।